नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो क्या आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स से एडमिशन लेना है? सो बिल्कुल, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं या फिर आप लोगों को क्या क्या चीजें फिल करनी है फॉर्म के अंदर और आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए मैनेजमेंट कोटा के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो अगर आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक पॉइंट जरूर क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। अगर आप लोगों के पास परसेंटेज है, आप लोगों की 12th क्लास की या फिर आप लोगों ने मास्टर्स कर रखी है, अपने बैचलर्स कर रखी है, सो उनकी परसेंटेज वगैरह मैटर अभी नहीं करेगी। फिलहाल आप लोगों को सबसे पहला जो यहाँ पे रूल लगता है वो यही है, आप लोगों ने सीईटी एग्जाम दे रखा होगा आईपी यूनिवर्सिटी का या फिर सीयूटी दे रखा होगा या फिर कोई नेशनल लेवल टेस्ट दे रखा होगा, इनमें से एक चीज जरूर आप लोगों के पास होनी चाहिए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। फिर इसके अलावा आप लोगों की अगर आप लोग यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की 12th की परसेंटेज देखी जाएगी जिसके अंदर बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे और उसके अंदर इंग्लिश को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो एक इंग्लिश हो गया, 3 सब्जेक्ट्स और आप लोगों के ले लिए जाएंगे। अगर आप लोग पीजी कोर्सेज के अंदर अप्लाई करें, मास्टर कोर्सेज के अंदर अप्लाई करें तो आप लोगों के ग्रेजुएशन की ओवरऑल परसेंटेज देखी जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को 2500 पे करने पड़ेंगे अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो। आप एक कोर्स के लिए अगर भर रहे हैं तो आप लोग 2500 का एक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए भरना चाहते हैं किसी एक कॉलेज के अंदर तो आप लोग ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं, बट हाँ हर एक कोर्स के लिए आप लोगों को 2500 देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो हाँ हर एक कॉलेज के हिसाब से आप लोगों को 2500 अलग अलग कॉलेज में पे करने पड़ेंगे। भैया फॉर्म आएंगे कहाँ पे? फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं कॉलेजेस की वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोग जाके भर सकते हो। कुछ कॉलेजेस ने लास्ट डेट दी है फॉर्म फिलिंग की आप लोगों की 25 जुलाई, और कुछ कॉलेजेस ने दी है आप लोगों की 31 जुलाई। और मैनेजमेंट कोटा के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं सिर्फ 10% सीट्स होती है, तो आप लोग मान सकते हैं अगर किसी कोर्स के अंदर 360 सीट्स है तो उसके अंदर 36 सीट सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा की होगी, मतलब 36 सीट्स आप लोगों की मैनेजमेंट कोटा की होगी। और उसके अंदर भी 100 से ज्यादा बच्चे कंपीट करते हैं, तो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है। और इसके अंदर एक चीज लगती है, अगर आप लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी एडमिशन ले रखा है या फिर आप लोग काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो आपको वहां से विड्रॉल करना पड़ेगा, वहां से हटना पड़ेगा, फिर ही जाकर आप लोग मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप लोग दोनों जगह से हटा दिए जाओगे। इसके अलावा जो मेजरली आप लोगों के डाउट्स होते हैं कि भैया हमने 2500 का फॉर्म भर दिया उसके बाद क्या होगा, तो 31 जुलाई तक जो लास्ट डेट दे रखी है कॉलेजेस ने, 25 जुलाई तक भी दे रखी है, सो मेनली 31 जुलाई के बाद ही मान के चलते हैं कि 31 जुलाई के बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट निकलेगी कॉलेजेस की, वो आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल जाएगी या फिर कॉलेजेस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। सो मेरिट लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। मान लो एक कॉलेज है जिसके अंदर मैंने बताया अभी आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे 360 टोटल सीट्स और 36 उनके पास मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है। अब अगर अप्लाई किया है 100 बच्चों ने तो शुरू के 36 बच्चों को वैसे तो ले लिया जाएगा, बट अगर मान लीजिए 36 बच्चों में से कोई एक बच्चा है, दो बच्चा जो कि मना कर रहे हैं, नहीं हमको आपका कॉलेज नहीं चाहिए, हमारा कहीं और हो गया, या फिर कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एडमिशन को विड्रॉल कर लिया होगा, मैनेजमेंट कोटा से हटा दिया होगा, या वो बच्चे रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे, कॉलेज जाएंगे ही नहीं, सो उसकी जगह पे जो बाकी के नीचे के बच्चे होंगे उनको चांस मिल जाएगा। बट हाँ यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत टफ रहता है। और अगर आप लोगों को एडमिशन की सीट पक्की करनी ही करनी है, मान लीजिए आपकी रैंक आ रही है 100 या फिर 200 आ रही है, काफी ज्यादा आ रही है, और आपको पता है कि आपको नहीं मिल पाएगा ऐसे रैंक के बेसिस पे, तो कॉलेजेस आपसे डोनेशन की डिमांड भी करते हैं। बाकी आपको काफी सारे एजेंट्स मिल जाएंगे जो कहेंगे हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्टली आईपी यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में जाएं जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए और वहां जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स को आप क्लियर कर पाया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, भी लेते हैं, धन्यवाद।